रामायण काल, जमवंत द्वारा हनुमान को प्रेरणा। वानरों के समक्ष भयंकर महासागर विशाल लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। समुन्द्र तट पर बैठकर वे विचार विमर्श करने लगे। युवराज अंगद निराश होकर बोले, सीता जी को खोज पाने में हम लोग सर्वथा निष्फल रहे हैं। अब हमें लौटकर राजा सुग्रीव और रामचंद्र जी को कैसे मुख दिखाएंगे? निष्फल होकर लौटने से तो अच्छा है कि हम यहाँ अपने प्राण त्याग दें। इस पर बुद्धिमान हनुमान जी ने कहा, ताराचंद, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो। अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी तुम इस तरह से निराशा की बातें कर रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। इस प्रकार से उनका विचार विमर्श चल ही रहा था कि वहाँ पर गिद्धराज संपाति आ पहुँचा। वानरों को देख कर वह बोला, आज दीर्घ काल के पश्चात मुझे मेरे कर्मों के फल के रूप में यह भोजन प्राप्त हुआ है। मैं एक एक करके वानरों का भक्ष करता रहूँगा। संपाति के वचन सुनकर दुखी हुए अंगद ने हनुमान जी से कहा, एक तो हम लोग जानकी जी की खोज नहीं कर पाए, उस पर यह दूसरी विपत्ति आ गई। हमसे तो अच्छा गिद्धराज जटायु ही था जिसने श्री रामचंद्र जी के कार्य को करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया था। अंगद के मुख से जटायु का नाम सुनकर संपाति ने आश्चर्य से कहा, जटायु तो मेरा छोटा भाई है। तुम उसके विषय में मुझे पूरा पूरा हाल करो। अंगद से जटायु के विषय में पूरा हाल सुनकर संपाति बोला, बंधुओं, तुम सीता जी के खोज करने जा रहे हो, मैं इस विषय में जो भी जानता हूँ वह तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि रावण से मैं अपने छोटा भाई जटायु का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, परंतु मैं अब वृद्ध और दुर्बल होने के कारण रावण का वध नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें उसका पता बता सकता हूँ। सीता जी का हरण करने वाला रावण लंका का राजा है और उसने सीता जी को लंकापुरी में ही रखा है, जो यहाँ से 100-400 कोस की दूरी पर है, इस समुद्र के उस पार है। लंकापुरी में बड़े भयंकर सुभट पराक्रमी राक्षस रहते हैं। लंकापुरी एक पर्वत के ऊपर स्वर्ण निर्मित नगरी है जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया है। उसमें बड़ी सुंदर ऊंची ऊंची मनोरम स्वर्ण निर्मित अट्टालिकाएँ हैं। वहीं पर स्वर्ण कोट से घिरी अशोक वाटिका है जिसमें रावण ने सीता को राक्षसनियों के पहरे में छिपा कर रखा है। इस समुन्द्र को पार करने का उपाय करो, तभी तुम सीता तक पहुंच सकोगे। यह कहकर वह गिद्ध मौन हो गया। विशाल सागर की अपार विस्तार देखकर सभी वानर चिंतित होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंगद, नल, नील आदि किसी भी सेनापति को समुद्र पार करके जाने का साहस नहीं हुआ। उन सबको निराशा और दुखी देखकर वृद्ध जामवंत ने कहा, हे पवनसुत, तुम इस समय चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो, तेज और बल में तो राम और लक्ष्मण की भी बराबरी कर सकते हो। तुम्हारा वेग और विक्रम पक्षी राज गरुड़ से किसी भी भांति कम नहीं है, जो समुद्र में से बड़े बड़े सर्पों को निकाल लाता है। इतना अतुल बल और साहस रखते हुए भी तुम समुद्र लांघ कर जानकी जी तक पहुँचने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? तुम्हें तो समुद्र या लंका में मृत्यु का भी भय नहीं है, क्योंकि तुम्हें देवराज इंद्र से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। तुम केसरी के क्षेत्र यज्ञ और वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसलिए उन्हीं के सदृष्ट तेजस्वनी अबाध गति वाले हो। हम लोगों में तुम ही सबसे अधिक साहसी और शक्तिशाली हो, इसलिए उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। तुम ही इन निराश वानरों की चिंता को दूर कर सकते हो। मैं जानता हूँ इस कार्य को केवल तुम और अंगद दो ही व्यक्ति कर सकते हो, पर अंगद अभी बालक है। यदि वह चूक गया और उसकी मृत्यु हो गई तो सब लोग सुग्रीव पर कलंक लगाएंगे और कहेंगे कि अपने राज को निष्कंठक बनाने के लिए उसने अपने भतीजे को मरवा डाला। यदि मैं वृद्धावस्था के कारण दुर्बल न हो गया होता तो सबसे पहले मैं समुद्र लांघता। इसलिए हे वानर, हे वीर, अपनी शक्ति को समझो और समुद्र लांघने को तत्पर हो जाओ। जामवंत के प्रेरक वचनों को सुनकर हनुमान को अपनी क्षमता और बल पर पूरा विश्वास हो गया।
अपनी भुजाओं को तान कर हनुमान ने अपने सशक्त रूप का प्रदर्शन किया और गुरुजनों से बोले, आपके आशीर्वाद से मैं मेघ से उत्पन्न हुई बिजली की भांति पलक झपकते निराधार आकाश में उड़ जाऊंगा। मुझे विश्वास हो गया है कि मैं लंका में जाकर अवश्य विदेह कुमारी के दर्शन करूंगा। यह कहकर उन्होंने घोर गर्जना की जिससे समस्त वानरों के हृदय हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। सबसे विदा लेकर हनुमान महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए और मन ही मन समुद्र की गहराई का अनुमान लगाने लगे। फ्रेंड्स, आगे की कहानी मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगी। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।